बाटा, मीला, सिरिल, राम फोसा के निमंत्रण पर 22-24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। 3 दिनी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकें भी लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। मंगलवार की शाम करीब 5:15 बजे पीएम मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे। इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी यहां राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर पहुंचे हैं और 22 से 24 अगस्त तक यहां रहेंगे। ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हैं। साल 2019 के बाद ब्रिक्स नेताओं का पहला आमने सामने का शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। कूटनीतिक जानकार बता रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं के बीच अक्टूबर 2019 के बाद आधिकारिक मुलाकात नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका में अगर पीएम मोदी की जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होती है तो मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के बाद ये दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इस बार की ब्रिक्स समिट के 2 एजेंडे हैं। पहला ब्रिक्स का विस्तार, इसके अलावा दूसरा एजेंडा कॉमन करेंसी में कारोबार का भी है। दुनिया के करीब 23 देशों ने ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल आबादी विश्व की जनसंख्या में 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 31.5% और वैश्विक व्यापार में 16% योगदान है। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी ग्रीस दौरे पर रवाना होंगे। वो पिछले 40 सालों में यूनान की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। रिपोर्ट न्यूज 18। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत का चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, जुटा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा रिझाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस बार क्रिकेट लीजेंड भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया है। कार कैन नॉट रन विदाउट फ्यूल एंड टू मी यू आर माय फ्यूल। करीब 3 दशक तक भारतीय और विश्व क्रिकेट पर राज करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा वो 200 टेस्ट मैच खेलने वाले भी इकलौते क्रिकेटर हैं। अपनी साफ छवि और सौम्य स्वभाव के कारण वो आज भी देश के दिल में बसते हैं। सचिन तेंदुलकर की छवि साफ सुथरी और बेदाग क्रिकेटर की रही है। उन्होंने हमेशा अपने मन में राष्ट्र प्रेम की अलग जगह कर रखी। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत चुनाव आयोग अब सचिन की इसी छवि से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए अलख जगाएगा। ईसीआई के साथ सचिन तेंदुलकर की नई पारी की शुरुआत हो रही है। सचिन अब ईसीआई के साथ नेशनल आइकन के रूप में जुड़ेंगे। मास्टर ब्लास्टर मतदान और शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाएंगे। ईसीआई के साथ सचिन का 3 साल के लिए समझौता होगा। वो खास तौर पर युवा वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। चुनाव आयोग की ये पहल
लोकसभा चुनाव में वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी हैं। इससे पहले मैरी कॉम, धोनी और आमिर खान भी नेशनल आइकन रह चुके हैं। दरअसल ईसीआई का लक्ष्य मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाना है, खास तौर पर शहरी और युवा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है। ईसीआई विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को अपने साथ जोड़कर वोटर्स को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। 23 अगस्त और 23 अगस्त की शाम, ये दिन बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कदम रखेगा तो हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर ध्रुव तारे की तरह चमकेगा। पूरे देश में जश्न का माहौल होगा, लेकिन चांद पर लैंडिंग के साथ ही इसरो की चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। पृथ्वी के अलावा क्या किसी और ग्रह पर जीव रहते हैं? क्या इंसान कभी पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पर भी अपनी कॉलोनी बना सकते हैं? इस तरह के किस्से साईफाई फिल्म्स में कई बार दिखाए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इंसानी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं, इसलिए धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए किसी और ग्रह पर जीवन की खोज करना लगातार जारी है, और इंसान की इसी जिज्ञासा और उत्सुकता को और बढ़ा रहा है चंद्रयान 3। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा। इसके लैंड करते ही भारत में जोरदार जश्न होगा, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए काम यहां से शुरू होगा। इसरो वैज्ञानिकों के लिए असली काम लैंडिंग के बाद शुरू होगा। लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक उन डेटा का विश्लेषण करेंगे जो चांद से 5 वैज्ञानिक उपकरण भेजेंगे। ये वैज्ञानिक एक चांद पर एक दिन के लिए रोवर संचालन में व्यस्त रहेंगे। बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडिंग के तुरंत बाद विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुल जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए एक रैंप बन जाएगा। राष्ट्रीय तिरंगे और पहियों पर इसरो के लोगों के साथ 6 पहियों वाला प्रज्ञान 4 घंटे बाद लैंडर की गोद से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसके बाद ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा और नेविगेशन कैमरों से चांद की जमीन को स्कैन करेगा। रोवर चंद्र रेजोथिल यानी मिट्टी पर तिरंगे और इसरो के लोगों के निशान छोड़ देगा, जिससे चंद्रमा पर भारत का निशान बन जाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कई वैज्ञानिक उपकरण हैं। ये चंद्रमा के वायुमंडल के मौलिक संरचना का डेटा इकट्ठा करेगा और लैंडर को भेजेगा। तीन पेलोड के साथ विक्रम लैंडर चांद की सतह के प्लाज्मा यानी आयनों और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को मापेगा। इसके साथ ये चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को भी मापेगा। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता के मापन के साथ चंद्र परत की संरचना की तस्वीरें लेगा और सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय होगा। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संचार कर सकता है, जो सीधा पृथ्वी से कंट्रोल होगा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल आकस्मिक संचार रिले के रूप में भी किया जा सकता है। सोमवार को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लैंडर मॉड्यूल के साथ संचार स्थापित किया था। इसरो ने कहा कि पृथ्वी के 14 दिनों के दौरान रोवर द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। इसरो के चेयरमैन ने बताया कि ऐसी संभावना है कि लैंडर और रोवर दोनों एक और चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन तक जीवित रहेंगे। अ
अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के प्राथमिक 3 उद्देश्य हैं, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर घूमते रोवर का प्रदर्शन और तीसरा वैज्ञानिक प्रयोग करना। उन्होंने कहा कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश होगा। हम दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अज्ञात चीजों का पता लगाना चाहते हैं। हमें स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों की छवियां मिली हैं, जो संकेत देती हैं कि इसमें पानी हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 को पानी के सबूत और मिलते हैं तो इससे कई वैज्ञानिक संभावनाएं खुलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक से राजभवन पहुंच गए हैं और उन्होंने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है। राजभवन में सीएम ने राज्यपाल से करीब 10 मिनट तक ये मुलाकात हुई है उनकी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद अटकलों का दौर काफी तेज हो गया। शिवराज मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल किए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के करीबी रामपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। इधर नाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, इनको मनाने की कोशिश में सरकार नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री का काफिला जब पहुंचा था राजभवन, उस वक्त की ये तस्वीर है। 10 मिनट तक राजभवन में जाकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कुछ नए चेहरे शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में कई भाजपाई जो हैं वो नाराज हैं, उनको भी साधना है। हाल ही में रामपाल सिंह को मुख्यमंत्री के करीबी भी वो माने जाते हैं और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, तो ये कवायद के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अचानक से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और 10 मिनट की ये मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 मिनट तक ये मुलाकात चली है राजभवन में, सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है और अब अटकलों का बाजार तेज हो गया है। बाजार में अटकलें लगाई जा रही हैं, राजनीति के जानकार जो हैं वो भी अटकलें लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर राज्यपाल के पास अचानक से पहुंचते हैं तो क्या इसके पीछे वजह हो सकती है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि अटकलों का दौर तेज हो गया मुलाकात के बाद। अनुराग, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है या कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं, क्या है जानकारी? बिल्कुल पुनीत, देखिए तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा सकती हैं क्योंकि हाल ही में जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं और बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं रामपाल सिंह, उनको अंत्योदय कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार ने बनाया और साथ ही उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। रामपाल सिंह उन चेहरों में शामिल थे जो कि मंत्री मंडल में शामिल होने की पात्रता रखते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी, यानी कि उनको कैबिनेट का मंत्री का दर्जा देकर सरकार ने उनको खुश करने की कोशिश की है। मध्य क्षेत्र खासतौर पर रायसेन जिले में रामपाल सिंह के जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद उसका असर जरूर पार्टी को फायदा मिल सकता है और इसी तरीके से विंध्य इलाके की उपेक्षा का आरोप जो है लगातार लगते रहे और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए हो सकता है कि जो बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उनके लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है। करीब 5 से 10 मिनट की इस छोटी मुलाकात के भी कई तरह के महत्वपूर्ण मायने निकाले जा रहे हैं, संभावना तमाम तरह की जताई जा रही है क्योंकि चुनाव के ठीक पहले हर वर्ग को खुश करने के साथ हर अंचल को भी जो है साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और क्या मुख्यमंत्री के इसके मुलाकात के मायने होंगे ये कुछ ही घंटों में तस्वीर सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।